देन गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे Realme 5 फ्रिज के यूजर्स को Realme UI का लेटेस्ट अपडेट 3.59 अक्टूबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिलेगा, क्या क्या फीचर के साथ आएगा, क्या 5G के साथ आएगा, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के थ्रू। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड सपोर्ट एंड आज की वीडियो में आपकी पूरी मदद की जाएगी। देन फाइनली दोस्तों यहाँ पे Realme 5 फ्रिज के यूजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई 3.57 के बाद हमारे फोन में काफी सारे एड फो हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। उस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आपके फोन के फाइल मैनेजर, म्यूजिक, वीडियो वगैरह में कहीं पे एड फो नहीं होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते भाई Realme 5 फ्रिज के यूजर्स को क्या सुपर सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों Realme 5 फ्रिज के यूजर को 3.59 के साथ अक्टूबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिल सकता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात ऐसी है, आपको जो सितंबर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट प्रोवाइड किया गया वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड कर दिया गया है Realme की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, बट फिर भी अगर आपको अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के साथ जो अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसका मैं आपको सबसे पहले इसका फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऐड बैन किए जाएंगे Realme की तरफ से, जो कि बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है Realme 5 फ्रिज के यूजर्स को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। देन दोस्तों यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको अक्टूबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ से, एंड यहाँ पे कुछ फीचर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है Realme की तरफ से, जैसे कि आइकॉन पुल डाउन जेस्टर वन हैंड यूज का, मतलब भाई यहाँ पे छोटे स्क्रीन वाली बात नहीं की जा रही, भाई आपने फोन को वन हैंड पे एक ही हाथ में फारे के फारे ऐप्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर के बारे में भाई Realme UI 1.0 के साथ, मतलब Realme UI 1.0 में अपडेट करने के बाद हमारे फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी फास्ट हो चुकी, ये बात आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है। तो दोस्तों यहाँ पे Realme की तरफ एक न्यू फीचर अवेलेबल कराया गया है Realme के यूजर्स को, एंड वहाँ पे आपको मे बी अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच के साथ ये फीचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि है सुपर पावर सेविंग मोड का। एंड यहाँ पे इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी दो गुना चलेगी। दोस्तों सुपर पावर सेविंग मोड का फीचर एक बहुत ही कमाल का फीचर है, जो कि मे बी 3.59 के साथ आपके डिवाइस में ऐड कर दिया जाएगा Realme की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। यार यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको लेटेस्ट सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ काफ़ी सारे फीचर्स को इंक्लूड कर दिया गया था, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया Realme UI 1.0 के अपडेट के बाद हमारे फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी फास्ट हो चुकी है, एंड इसके रिलेटेड हमारे डिवाइस में अपडेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं Realme की तरफ से, जैसे कि आपको अपने Realme लैब में सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाई का फीचर ऐड कर दिया गया है Realme की तरफ से, जो कि आपके बैटरी ड्रेनिंग के ही रिलेटेड है। एंड बात करें अगले फीचर के बारे में, तो भैया जी यहाँ पे आपके डिवाइस में डीप क्लेम का भी फीचर मिल जाता है, जो कि आपके बैटरी ड्रेनिंग के ही रिलेटेड है। यहाँ पे यार काफ़ी सारे फीचर्स को इंक्लूड कर दिया गया, यहाँ पे आपको अक्टूबर के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेगा, यही कुछ कॉमन फीचर प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड भैया जी एट लास्ट फिक्स्ड सम नोन बग्स इश्यू एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे एट लास्ट आपके डिवाइस में आपके डिवाइस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया जाएगा, जो आपका डिवाइस रन करता है मतलब उसमें थोड़ा सा स्मूथनेस ला दिया जाएगा। तो यही सब फीचर्स हैं Realme UI के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच सितंबर 2020 के बाद, जो कि आपको अक्टूबर 2020 के साथ में प्रोवाइड किया जाने वाला है, 3.59 का। तो फ्रेंड फिट एंड यार बहुत सारा थैंक, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज सबसे पहले मिलती रहेंगी।